नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा, आपका गार्डनिंग फ्रेंड, आपका स्वागत करता हूँ वापस अपने चैनल में। आज मैं अपनी छत पे हूँ, फर्स्ट रूफटॉप पे, पहली मंजिल पे। तो यहाँ पे जो मैंने पौधे रखे हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये क्रिजेंथिमम है, वही जो मैंने छोटी छोटी सी पिंचिंग करने के बाद जो मेरे ऊपर के पार्ट्स कलियाँ बची थी वही मैंने वैसे ही लगा दी और वो चल गई। ये एलिसम है, याद है आपको, जो मैं छोटे छोटे पोर्ट्स में लाया था वही एलिसम मैंने बड़े पोर्ट में लगा दिया इसको। ये मेरी छोटी छोटी सीडलिंग्स हैं, ये ड्यूरेंटा, गोल्डन ड्यूरेंटा, और इसके पीछे ये प्याज रखी हुई है मैंने, और ये एलिसम मैंने छोटी पॉली बैग में भी लगाया हुआ है। फिर ये कैलेंडुला और फिर से एलिसम है, और इधर देखिए मैंने ये ना टोमेटो छोटे से पैकेट में लगाया हुआ है। तो बस इसी तरह कुछ भी मिल जाए मेरे को दोस्तों, जो भी कुछ वेस्ट पड़ा होता है घर में मैं उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे लगते हैं, नहीं, अगर कुछ वेस्ट है, पॉली बैग वगैरह है, उसमें आप लगाते हैं तो शुरू में आपको अजीब लगेगा देखने में, लेकिन जब आपके फ्लावर्स वगैरह आएंगे तो अच्छा लगता है। देखिए मेरे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इसमें भी बहुत कलर्स आते हैं मैरीगोल्ड में, और बहुत सुपर ईजी हैं, दे आर वेरी सुपर ईजी टू ग्रो फ्रॉम सीड्स, कटिंग से भी ये लग जाते हैं। लेकिन मैं कटिंग से फ्रेंड्स कम ग्रो करता हूँ, मैं सीड्स से ज़्यादा ग्रो करता हूँ मैरीगोल्ड्स को। और ये वही अनार का पौधा जो मैंने आपको वीडियोस में दिखाया हुआ है, और इस पे देखिए ये कली आ रही है और ये खिल चुकी है, अब ये अनार बनेगा। तो आपके पास अगर अनार का पौधा है तो उसको एसिडिक सॉइल पसंद होती है अनार के पौधों को, और आप क्या कर सकते हैं, एक चम्मच विनेगर 1 लीटर पानी में मिला के इसके ऊपर स्प्रे करें तो अच्छा चलेगा। देखिए कितने छोटे छोटे मेरी सीडलिंग्स हैं, और यहाँ पे मैंने पैंसी लगाया हुआ है। देखिए ये भी छोटे छोटे सीडलिंग्स हैं, अभी पैंसी जैसे मंकी फेस फ्लावर होता है, जैसे तितली बैठी हुई हो ऐसा सा लगता है। और इसकी देखिए छोटे छोटे सीडलिंग्स, इनको मैं या तो ट्रांसप्लांट करूँगा या इसमें भी रहने दे सकते हैं, ये ज़्यादा डीप पॉट नहीं मांगते हैं पैंसी। ये देखिए कुछ भी मेरे को दोस्तों मिल जाता है ना घर में जो वेस्ट पड़ा होता है, मैं उसमें प्लांट लगाने की कोशिश करता हूँ, वेस्ट भी कम हो जाता है। ये देखिए मूँगफली के छिलके डाले हुए हैं मैंने गमलों में, तो वेस्ट का जो हमारा घट जाता है, और हमारे को प्लांटर नया खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्लांटर सब एक्सपेंसिव होने लगे हैं ना इसलिए। ये देखिए मेरे क्रिजेंथिमम, जिनकी मैंने आपको पिंचिंग करनी बताई थी, वही प्लांट्स हैं फ्रेंड। ये देखिए पिंक में क्रिजेंथिमम, ये बड़ी वाली वैरायटी है जिसमें बड़ा फ्लावर आता है ना, वो वाली वैरायटी। ये फ्रेंड्स देखिए हमारे घर में कुछ नया प्रोडक्ट आया था, तो उसको उसका जो थर्मोकोल का जो वेस्ट था मैंने उसमें भी प्लांट्स लगा लिए, कैलेंडुला के ही लगाए हैं और बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। ये देखिए टोमेटो का प्लांट, इसका मैं आपको कंटेनर दिखाता हूँ। देखिए ये भी एशियन पेंट का डब्बा था, पेंट हुआ था ना, तो वो बच गया, वो ही मैंने इसमें टमाटर का पौधा लगा दिया। नीचे होल भी किया था मैंने, आप भी होल किया करें, बहुत आसानी से हो जाता है। आप कोई भी चाकू वगैरह लेके गरम करके उसको नीचे से आप होल कर सकते हैं। ये देखिए मटका, मेरा मटका था पुराना, तो पानी ठंडा नहीं कर रहा था, मैंने इसमें ही प्लांट लगा दिया, स्पाइडर प्लांट। तो बस ऐसे ही फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ आप भी करते रहिए। जो मेरी बहनें हैं घर पे, जो हाउसवाइफ्स हैं, वो भी गार्डनिंग का शौक़ कर सकती हैं, और बहुत अच्छा शौक़ होता है, इट्स अ वेरी पीस गिविंग हैबिट, हॉबी। तो बहुत मन को शांति मिलती है, दिल खुश रहता है, प्लांट्स लगाते हैं तो घर भी सुंदर लगता है देखने में। और जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें ग्रीनरी देखने को मिलती है, कभी कभी फ्लावर्स खिले हुए होते हैं, तो मन खुश हो जाता है, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू आवर माइंड्स ऑल्सो। तो
आप सब गार्डनिंग कीजिए और जो जो नए इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आते हैं वो अपनी गार्डनिंग की हॉबी में डालिए। अब जो जो विंटर के फ्लावर्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो ख़रीद सकते हैं आप। ये देखिए मेरे कैलेंडुलास मैंने सेकेंड रूफ टॉप पर तो रखे ही हैं, फर्स्ट पे भी मैंने रखे हुए हैं। तो बस इसे जो फ्लावर्स वगैरह हमें पूजा के लिए चाहिए होते हैं वो हम इन्हीं में से ही ले लेते हैं। और हाँ बस ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये एक कैन थी, ये भी वेस्ट था हमारे पास, तो मैंने इसको जो वुड कटर होता है उससे कटवा लिया था इसको, क्योंकि दोस्तों कई बार हाथ वगैरह में लगने का डर रहता है। तो कुछ आपको ऐसा चाहिए जो सेफ़ हो। ये हमारा टूटा हुआ टब था कपड़े धोने वाला, जिसमें कपड़े रखते हैं हम लोग वॉश करने के बाद, तो ये नीचे से टूट गया और साइड से भी टूट गया। मैंने सोचा चलो इसे फेंकने की बजाय इसको हम प्लांटर बना लें। ड्रेसिनाज भाई बहुत सुंदर प्लांट्स होते हैं, आप इसको छाया में रख सकते हैं या सनलाइट में भी रख सकते हैं, छाया में बहुत अच्छे चलते हैं। और अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट नहीं आ पाती तो आप ड्रेसिनाज उगा सकते हैं। दे आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स बेसिकली नॉन फॉर देयर ब्यूटीज़। ये देखिए ये फ्रिज की जो ट्रे होती है ना फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर की, वो ख़राब हो गई थी वेजिटेबल ट्रे, तो उसमें ही मैंने प्लांट लगा दिया। कुछ भी चीज़ आपकी जो कंटेनर टाइप हो जिसे आप यूज़ कर सकते हैं आप यूज़ करिए, वेस्ट कम होता है उससे। ये बाल्टी थी देखिए पेंट की, ये भी मैंने यूज़ कर ली, ये भी पेंट की बाल्टी थी। अब देखिए मेरे को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, कई दिन उससे मैं सोचता हूँ। इसको मैं डिवाइड भी करूँगा स्पाइडर, सॉरी ये जो हमारी ग्रास होती है ये ईजिली अलग डिवाइड होके लग जाती है। तो इसी तरह फ्रेंड्स आप भी कुछ अलग अलग करते रहिए और अपने बगीचे में जो प्लांट्स ख़राब हो गए हैं उनको निकाल दीजिए और नए प्लांट्स ऐड ऑन कीजिए। इस टाइम विंटर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, बहुत डायंथस है ये आप देख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं बाय हैविंग लॉट ऑफ पॉट्स एंड एडिंग सो मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स टू योर गार्डन, आप डायंथस में भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती हैं उनको ले सकते हैं। आप चाहें तो किसी एक प्लांट को ले सकते हैं और उसके ही वेरिएशंस को ले सकते हैं, या आप अलग अलग प्लांट्स रख के भी मिक्स्ड बैग बना सकते हैं। मिक्स्ड बैग बनाने से फ्रेंड्स बहुत अच्छा लुक आता है। ये देखिए जैसे अगर मैं सारे सफ़ेद ले लूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सफ़ेद क्रिजेंथिमम है, फिर ऑरेंज है, फिर पिंक है, फिर मेरे पास रेड डायंथस है, तो ऐसे अलग अलग कलर लेने से ऐसा बटरफ्लाई गार्डन क्रिएट हो जाता है आपके पास, मिक्स्ड बैग विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड एनहेंसेस द प्लेस वेयर यू लिव। तो देखिए इस टाइम हिबिस्कस का मेरा प्लांट थोड़ा सा सैड सैड सा चल रहा है, बिकॉज अभी ज़्यादा चिली विंटर होने के कारण हिबिस्कस की पत्तियाँ गिरने लगती हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो सर्दियों में बिल्कुल पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो ड्रेसिनाज को भी वैसे वॉर्म लिटिल वॉर्म वेदर पसंद है, तो अब हमारे यहाँ काफ़ी ठंड होने लगी है। तो मेरे जो हैं देखिए जेट्रोफा गोसिपिफोलिया जो ये देख रहे हैं आप, इसके भी पत्ते गिर गए सारे। तो ऐसे ही आपकी गार्डन में भी गिर रहे होंगे पत्ते, तो आप निराश ना हो या ये ना सोचे कि ये प्लांट मर चुका है। देखिए ये मेरे गार्डन का केयर टेकर है हमारा डॉग, और ये मेरे प्लांट्स को बंदरों से बचाता है। ये एक अच्छा आइडिया होता है फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये है कि ये डैमेज नहीं करता, जैसे कुछ डॉगीज़ ऐसे होते हैं जो गमले खोद देते हैं, मिट्टियाँ निकाल देते हैं गमलों की, या उनको निकाल के फेंक देते हैं, प्लांट्स को डैमेज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करता है। तो आप भी एक पैट रख सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं, जिससे कि फिर जब मंकी आपके यहाँ आए तो मंकीज़ आपके पॉट्स को फ्लावर्स को तोड़ के ना भागें, ये डॉग्स उनको भगा देते हैं, तो गार्डन सेफ रहता है। तो इस टाइम फ्रेंड्स काफ़ी आपके गार्डन में पत्तियां गिर रही होंगी प्लांट की, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ये मान लीजिए आपकी वो स्लीप में चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इन ग्रोइंग पीरियड हो जाता है वो उनका, तो उसमें कोई नई जो है लीव्स वगैरह नहीं दिखती हैं, तो ये ना समझे कि वो मर गया है। प्लांट को पानी देते रहें, मॉइस्चर मेंटेन रखें और ओवर वाटरिंग ऐसे प्लांट्स में ना करें। तो इसी के साथ फ्रेंड्स होप करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कि मेरा ओवरव्यू आपको पसंद आया होगा। तो जो भी मेरे भाई बहन हैं गार्डनिंग करने की सोच रहे हैं या जो इस शौक को करते हैं, तो करते रहिए, ये एक अच्छा शौक है,
तो इसी के साथ फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यू लाइक माय वीडियो. प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, हैव अ हैप्पी गार्डन.